एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो है ऑन द मेकअप दैट आई एम लविंग करंटली। मेरे पास जितना भी मेकअप है आज के वीडियो में उसमें से शायद एक या दो ही मैं पहले भी यूज करती थी, बट उतना मैंने रेगुलरली यूज नहीं किया था कि मैं उसे एकदम लव कर सकूं। एंड मोस्ट ऑफ द मेकअप इज वेरी न्यू एज इन अराउंड मेरी शादी के, यू नो, मैंने खरीदा था एंड देन नाउ आई एम यूजिंग देम एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग देम। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट वन इज अ फाउंडेशन एंड दिस वन इज फ्रॉम मिलानी। इट्स द कंसील एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर एंड द शेड इज 06 sand beige and this is how it looks like. It is a very beautiful coverage foundation. इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी और फ्लॉलेस है ना, ये मैंने मेरी शादी वाले दिन यूज़ किया था। मैंने मेरी शादी का मेकअप खुद किया था बिकॉज मेरा इंगेजमेंट का मेकअप बहुत ही डिजास्ट्रस कर दिया था मेकअप आर्टिस्ट ने, तो मुझे शादी वाले दिन मेरा कोई रिस्क नहीं लेना था and hence I use this one because it was full coverage and trust me it is full coverage plus मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है एंड मेरी शादी दिसंबर में हुई है ठंड के मौसम में, लेकिन तब भी इसने मेरी स्किन को ड्राई नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लोई एंड ड्यूई दिख रहा था ये मेरी स्किन पर। नाउ दिस वन इज़ ऑन अ लिटिल एक्सपेंसिव साइड। इसका जो प्राइस है वो है 1600। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से ले रहे हो, जैसे कि कुछ बड़ा यू नो फंक्शन है या फिर आपको इन जनरल पसंद है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो या सीख रहे हो एंड यू आर विलिंग टू ट्राई दिस वन, अगर आपके दिमाग में ऐसा था कि यार ले या नहीं ले, महंगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ख़राब होगा, तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हो क्योंकि ख़राब नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी एंड इसकी जो फिनिशिंग है स्किन पर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाउ कमिंग टू द कंसीलर, I am using LA Girl Pro Conceal. It's the HD concealer. This is how it looks like. आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर लिया है मैंने। तो जितना भी मेकअप एंड ऑल मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अच्छा यूज़ कर लिया है 2-3-4 महीनों से इनफैक्ट, एंड उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस स्मूथ एंड गुड कवरेज कंसीलर। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यू नो ब्लेंड हो जाता है स्किन में, क्योंकि कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी बेस अगर ब्लेंडेड ना हो ना तो बहुत ज़्यादा पैची एंड फ्लेकी लगता है एंड आपका पूरा मेकअप बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू फॉर दिस फाउंडेशन, ये मेरी स्किन पर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ एंड फॉर द कंसीलर ऑल्सो ये एशी ग्रेश ऑक्सीडाइजिंग नहीं लगता है मेरे ऊपर। इसका जो प्राइस है वो कुछ 600 कुछ का है, पूरा प्राइस अभी मिट चुका है यहाँ से एक्चुअली। लिंक्स मैं नीचे दे दूँगी तो चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज़ इन द शेड GC978, द नेम इज़ मीडियम बेज एंड अगेन इट इज़ अ परफेक्ट मैच टू माई स्किन टोन। Now there is another concealer. It's a new one. You can see this. ये मैंने, मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी पसंद आई है कि मैं इसको यूज़ कर करके वापस से कार्टन में ही डाल देती हूँ। सो दिस वन इज़ फ्रॉम डॉटर अर्थ। इस तरीके से ओपन हो जाता है एंड हियर यू सी अ ब्यूटिफुल शेड। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड बटरी है ये एंड इतना गुड लुकिंग। ओ माई गॉड, आई डोंट इवन फील लाइक यूजिंग इट मच। ऑल दो आपको बस एक स्वर्ल करना होता है और वो आपके दोनों आईज के लिए इनफ होता है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मिनिमल मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवी बेस हैवी ड्यूटी मेकअप कर रहे हो तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। सो दिस वन इज़ फ्रॉम डॉटर अर्थ एंड इट्स इन द शेड, ओके वेर इज़ द शेड, आई नीड टू, हाँ इट्स इन द शेड लाटे, यहाँ पे शेड नेम लिखा हुआ है एंड अगेन इट्स वेरी क्रीमी वेरी स्मूथ बटरी ईजी ब्लेंडेबल and it's really really good and this shade is an exact match for me. Now iska jo price hai wo hai 1250, again on the expensive side. To agar aap ye nahi lena chahte ho then you have an alternative of LA Girl, so yeah you can go for that one. Now coming to the third product is a loose powder and this one is from Maybelline New York Fit Me. It's their loose finishing powder in the shade 20, that's light medium and this is how it looks like. Now ये market में तो काफ़ी पुराना है, तो मेरे पास जो भी product है ना ऐसा नहीं है कि ये market में अभी launch हुए हैं, ये काफ़ी पुराने भी हैं। मैंने इनको recently use करना start किया है and I'm loving it. So this is again very good loose powder. ये वो powder है जो आपको coverage भी देता है। So
मेरे हस्बैंड ने भी ये लगाया था एंड उनका जो यू नो रेगुलर टैल्क जो था वो ख़त्म हो गया था. उन्होंने ये लगाया था एंड ही वॉज ब्लोन अवे. ही वॉज लाइक ओ माई गॉड मैंने मेकअप कर लिया. सो इट डज गिव कवरेज. तो अगर आपका फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाने के बाद आप इसको लाइटली डैप करोगे ना, बहुत ज़्यादा हैवी बेकिंग मत किया कीजिए, मैं यही बोलूँगी, बिकॉज वो आपकी स्किन को ड्राई बना देता है. सो यू कैन गो विथ लाइट बेकिंग और सेटिंग एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वन. अगर डे टू डे कॉलेज, अब जैसे कॉलेज एंड ऑफिस खुल गए हैं, तो अगर आप अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर भी इसको हल्का सा डस्ट करना चाहते हो ना, अगर आप नो मेकअप गर्ल हो, एकदम नो मेकअप गर्ल, तो दिस विल वर्क वंडर्स. इसका जो प्राइस है वो है ₹695 एंड काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, लाइक थोड़ा थोड़ा ही यूज़ होता है लूज पाउडर तो. सो अगेन दिस वन इज अ गुड वन. Then coming to the next one is a highlighter. So since I told you कि मैं एक dry skin person हूँ, मैं powder वाली जो चीज़ें होती है ना वो उस like कम use करती हूँ, जैसे कि मैं powder वाला blush and all ये सब कम use करती हूँ highlighter. So मेरा जो current favorite है this one is from Rene and this comes in this beautiful stick, बहुत ही classy लगता है. And this one is in the shade gold. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आप इसको ओपन करो, ये लिपस्टिक की तरह ओपन हो जाएगा. ये पूरा हाईलाइटिंग स्टिक है, आप देख सकते हो कि कितना सटल हाईलाइटर है. मुझे वो चंकी पार्टिकल्स वाले हाईलाइटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. बहुत से ज़्यादा यू नो स्किन में ब्लेंड हो जाना चाहिए, ऐसा हाईलाइटर मैं प्रेफर करती हूँ. सो दिस इज़ द वन. ये क्रीम स्टिक हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत ही ज़्यादा सटल सा ग्लो देता है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सटल सा ग्लो देता है. सो यस, अगर आप इसको लगा के रात में फंक्शन में येलो येलो लाइट्स में जाओगे तो बहुत ज़्यादा यू नो ग्लोइंग लगोगे, नेचुरली ग्लोइंग, ग्लो फ्रॉम विद इन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लशेस, तो मेरे पास एक पाउडर ब्लश है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वेट एंड वाइल्ड का है. काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ. बट नाउ डेज आई एम रीचिंग आउट टू दिस लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन एंड दिस लिप बाम फ्रॉम लैक्मे, लैक्मे लिप लव. सो यू कैन सी, इसको बस ओपन करके थोड़ा सा ऐसे डैब डैब करके जो ग्लो आता है ना, एकदम फ्लश ऑफ पिंक फ्रेश वाला, वो मिलता है. एंड देन ये जो लिपस्टिक है, इट्स इन द शेड 632 हॉट चिली. इट्स फ्रॉम मेबेलिन क्रीमी मैट्स एंड ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है एज अ ब्लश यूज़ कर करके. आई एम टोटली इन लव विद दिस. तो अभी तो मैं कोई न्यू ब्लश नहीं खरीदने वाली हूँ, लिपस्टिक एंड लिप बम वर्किंग बेस्ट फॉर मी. नाउ टॉकिंग अबाउट द आई प्रोडक्ट्स, आई हैव थ्री. तो जो फर्स्ट है वो है एक आई शेडो पैलेट फ्रॉम NYBAE एंड ये रही वो आई शेडो पैलेट. मैं बहुत ज़्यादा यू नो मिनिमल आई मेकअप ही करती हूँ, इस वजह से आई लाइक दिस वन. मैं ये और ये शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड इट्स अ गुड टू गो पैलेट. आप इससे स्मोकी लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो एंड जो न्यूड बेसिक वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, पिंक वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्यूटिफुल मॉव कलर ऑल्सो. एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, इट्स रियली रियली अफोर्डेबल इन पॉकेट. एंड ये वाला जो शेड है यू कैन यूज़ इट एज योर आईब्रो फिलर ऑल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट द आईब्रो फिलर्स, आई एम यूजिंग दिस करेंटली. अभी तो यूज़ नहीं किया है लेकिन जब बहुत ऐसे कोई फंक्शन में जाना होता है तो थोड़ा बहुत डस्ट ऑफ कर लेती हूँ. अदरवाइज एक और आईब्रो पैलेट है जिस जो अभी मुझे मिल नहीं रही है. मैंने अपना सब सारा मेकअप देखा, एक तो जब से घर चेंज हुआ है तब से सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, बट मैं उसकी फोटो दे दूंगी यहाँ पर. दिस वन इज फ्रॉम मार्स, इट्स अमेजिंग. मैंने मेरी मासी मम्मा सबको रेकमेंड किया एंड दे लाइक इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आई लाइनर, इट्स फ्रॉम लैक्मे द OG, हमेशा चलने वाला. ये इतना ज़्यादा क्वान्टिटी आता है इसमें कि ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, कब से चले जा रहा है. एंड इट्स लाइक जेट ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई भी हो जाता है. इसका जो वॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट्स फॉर ₹110. नाउ कमिंग टू द लास्ट आई प्रोडक्ट इज अ मस्कारा. दिस वन इज फ्रॉम लॉरियल, इट्स द वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज. इट्स वाटर प्रूफ मस्कारा. नाउ दिस वन इज़ ब्यूटिफुल. अगर आपको आपकी लैशेज को लेंदन करना है, वॉल्यूमाइज करना है, तो फिर आप इसको डेफिनेटली परचेज कीजिए एंड इट्स ग्रेट. वन डाउन साइड कि ये वाटरप्रूफ है, दैट मीन्स कि इसको निकालने में ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे तो, क्योंकि आई लैशेज बहुत फ्रजाइल होती है, आप ऐसे ऐसे खींच के नहीं निकाल सकते उसको. तो बहुत ही ज़्यादा आराम से यू नो बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली यू हैव टू रिमूव इट, बिकॉज ये अच्छे से चिपक जाता है आपके लैशेज पे जब आप इसको अप्लाई करोगे ना. सो दैट इज़ वन डाउन साइड दैट आई फाउंड, अदरवाइज इट्स रियली गुड वन. देन
कमिंग टू द लिप प्रोडक्ट्स आई हैव टू. फर्स्ट इज अ न्यूड लिपस्टिक फ्रॉम नायका इन द शेड डियर डॉग एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. आई हैव स्वॉच्ड दिस. ये जो ऊपर वाला शेड है ये है डियर डॉग बाय नायका एंड इट्स अ रियली रियली गुड लिपस्टिक. इसका जो शेड है ये सारे स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. फ्रॉम लाइटर स्किन टोन्स टू मीडियम टू डीपर यू नो स्किन टोन सब पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. प्लस इसका जो फॉर्मूला है दैट्स रियली रियली कम्फर्टेबल. ऐसा नहीं है कि आपके लिप्स फ्लेकी हो जाएंगे, चैपी हो जाएंगे, एकदम रूखे सूखे नहीं लगेंगे. प्रोवाइडेड कि आप डेफिनेटली लिप बाम तो लगाइए ही. सो दिस इज द वन. एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा इन द फॉर्मूला कम्फी मैट शेड इज 01. इट्स अ रेड लिपस्टिक. यहाँ पे ये जो नीचे वाली है ये है शेड. तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर्मूला. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. यू डोंट इवन फील लाइक यू हैव अप्लाइड अ लिक्विड लिपस्टिक. इतना मैट है लेकिन इतना मूजी टेक्स्चर है, इतना कंफर्टेबल टेक्स्चर है. आई रियली लाइक दिस वन. देन द नेक्स्ट वन इज अ नेल पेंट. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर. द कलर वैसे तो इट्स रीलिंग रेड 337 फ्रॉम नायका इंस्टा ड्राई नेल इनेमल. बट मैं कलर की बात नहीं करी हूँ, मैं बात करी हूँ फॉर्मूला की. फॉर्मूला इज टू डाई फॉर. लाइक विद इन 8 to 10 seconds सूख जाती है. मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जब मुझे नेल पेंट लगा के ऐसे बैठे रहना पड़ता है काफ़ी देर तक, बिकॉज वो सूखती ही नहीं है. बट दिस वन इज अमेजिंग. इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, सो यू कैन चेक दिस आउट. देन वी हैव अ मेकअप फिक्सर, द ओल्ड एंड द ट्रस्टेड. दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इट्स देयर मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा एंड विटामिन ई. सो ये पूरा मिट चुका है, मैंने इसे इतना यूज़ कर लिया है. बट अगेन दिस इज रियली गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मेकअप को अच्छी तरीके से बाइंड कर लेता है. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेकअप, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लेंडर्स की भी बात कर ही लेती हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं मेकअप का. सो दिस इज द वन. ये मैंने अमेजोन से लिया है. इसमें 7 पीसेज आए थे जिसमें से एक ये रहा, मैंने अभी यूज़ किया है. थोड़ा गंदा है, थोड़ा डैम्प भी है, बट जस्ट लुक एट द क्वालिटी, दे आर सो सॉफ्ट एंड इट्स सो अफोर्डेबल. इट्स ₹240 something एंड उसमें 7 मिल रहे हैं, 3 बड़े वाले एंड यहाँ पे छोटे वाले भी हैं फॉर योर अंडर आई लाइक कंसीलर के लिए. सो अगेन दिस इज अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट. And yeah, I think we are done for today's video. That is all the makeup that I am loving currently. I hope that you enjoyed watching my video. Achha laga to like, share, subscribe kijiyega and notification bell button ko bhi hit kar dijiye so that every time I upload a video, you get notified. Now see you in my next video. Till then, take care. Bye.